आपने 300 यूनिट बिजली देने का फ्री देने का वायदा किया या नहीं किया? मुख्यमंत्री स्पष्ट कर रहे हैं, कहे में हमने किया है या नहीं किया। मित्रों की सरकार चल रही है, चारों तरफ लूट मची हुई है और प्रदेश की जनता का जो खजाना है उसको दोनों हाथों से अपने मित्रों को लुटाया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। और इसमें एक और बड़ी बात कि आज हिमाचल प्रदेश का कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिकल आदमी आज सेफ नहीं है। सब लोग जब भी बात करते हैं तो कहते हैं जी फोन टेप हो रहे हैं। अरे लोगों की जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी को जो है ये ब्रीच कर रहे हैं। किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना जो है मुझे लग रहा है ये कानूनी तौर पर जो है वो पॉसिबल नहीं है ना। और किसी की भी प्राइवेसी को आप टेप कर रहे हैं तो कई अफसर बताते हैं कि जी हम लोग किसी से बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप फलाने से ऐसे बात कर रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी अधिकारी, कोई पॉलिटिकल आदमी, चाहे कोई भी है, चाहे पत्रकार ही है, उनकी बातें जो जिस तरीके से टेप होना शुरू हुई है, मुझे लग रहा है हिमाचल प्रदेश जैसे एक पहाड़ी, एक खूबसूरत राज्य के लिए ऐसी राजनीति मैंने पहले नहीं देखी। और लोगों का विश्वास अब पूरी तरह उठ गया है क्योंकि बाई इलेक्शन में इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों के साथ वायदे किए, झूठी बातें कही, मुझे लग रहा है कि अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमने एक ही लाइन बोली है चुनाव के बाद कि जब जब हम चुनाव जीते हैं हम कार्यकर्ताओं के दम पर जीते हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीते हैं। अगर कहीं चुनाव हारे हैं तो कहीं हमारे अंदर कमी होगी, उसको खोजने 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 का प्रयास करेंगे और उसको ठीक करेंगे। 5 गारंटियां हिमाचल में पूरी करी उन्होंने कि दिल्ली में आबादी की पूरी करी, हमें तो पता नहीं है कि 5 कौन सी हुई गारंटियां पूरी। आप ये बताएं कि इन्होंने सरकार से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है, दो इश्यूज हैं, आपने 300 यूनिट बिजली देने का फ्री देने का वायदा किया या नहीं किया? मुख्यमंत्री स्पष्ट कर रहे हैं, कहे में हमने किया है या नहीं किया। नंबर एक, इन्होंने 300 यूनिट देना तो दूर की बात, इन्होंने तो 125 यूनिट जो लोगों को मिलता था वो भी छीन लिया। और दूसरा, ये जो HRTC में महिलाओं को सुविधा थी वो भी इन्होंने छीन ली। इस तरीके से इन्होंने लगभग पिछली सरकार में जो डेवलपमेंट के काम हुए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खुले थे, चाहे स्कूल खुले थे, चाहे कॉलेज खुले थे, मुख्यमंत्री ने तो आते सारे बंद कर दिए, 1000 के 1000 बंद कर दिए। और विधायक हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि, और मंत्री, विधायक ही नहीं मंत्री भी, जो कि वहां पर घुटन महसूस कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये हिमाचल प्रदेश में भी ये जो सरकार है, इस तरीके से मैंने कहा कि भ्रष्टाचार में लबालब भर चुकी है, और कुछ लोगों को छोड़कर, अपने मित्रों, कुछ खास मित्रों को छोड़कर, बाकी के विधायक हों चाहे मंत्री हों, वो ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं और उनके काम नहीं हो रहे हैं। ऐसा हमारे लोग संपर्क में भी कई लोग हैं जो संपर्क करके, फोन करके हमारे साथ तालमेल रखते हैं कि भाई आप तो अच्छा हुआ कि आप इस घुटन से बाहर हो गए, पर तो हमारी हालत ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है और निकल के आएंगी।